नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। द्वारका के बिंदापुर पुलिस ने भारी मात्रा में की अवैध पटाखों की धरपकड़। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते आगामी दिनों में चल रहे त्योहार दिवाली दशहरा पर पटाखों के चलते कोर्ट द्वारा पूरी तरह से मनाही होने के बाद भी हर साल पटाखे बेचे जाते हैं और चलाए जाते हैं। इस बार कोर्ट के सख्त गाइडलाइंस के चलते पुलिस पहले से सख्ती से पेश आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण बिंदापुर थाना पुलिस ने दिवाली दशहरा के उपलक्ष में पटाखों की बिक्री पर कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए मिलाप नगर से दीपक नामक शख्स, उम्र 32 साल, मोहन गार्डन इलाके का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने अवैध पटाखों के 8 बैग सहित धर दबोचा। बैग का वजन 146 किलो पाया गया, जिसमें कई तरह के पटाखों को पाया गया है। थाना बिंदापुर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 59B एक्सप्लोसिव एक्ट व धारा 286 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कड़ी पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी ने अपने आप को पेशे से ड्राइवर बताया है। उसके अनुसार बाकी समय में वो आने वाले त्योहारों के लिए हरियाणा से अवैध पटाखों को खरीद कर दिल्ली में बेचने के इरादे से छुपाकर लाया था। दिल्ली से अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। यह गीत है एक संदेश श्री विनोद शुक्ला जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच। किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो, किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। ओहो, किस तरह की नादानियां कर रहे हम अपनी ही